हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया एक्ट मुस्लिम लॉ एक नया एक्ट मुस्लिम लॉ के बारे में बताएंगे। ये मुस्लिम लॉ जुडिशियल एग्जाम्स में इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसको जो स्टडी करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम पहले जो मुस्लिम्स के कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं वो बता देते हैं इंट्रोडक्शन में। उसके बाद इसके एक्ट के जितने भी एक्ट हैं, 10 एक्ट के तहत इसमें वर्क किया गया, उनके बारे में हर एक में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखते हैं एक नज़र में कि मुस्लिम है क्या और कैसे इनके नियम और कानून चलते हैं। इसमें ओरिजिन फ्रॉम डिवाइनिटी, इनका जो स्टार्ट हुआ, जो इस धर्म की स्टार्ट शुरुआत हुई वो देवत्व से स्टार्ट हुई, ओरिजिन फ्रॉम डिविनिटी। और उसमें जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, उनके डिविनिटी को एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मीन अभिव्यक्ति, जो उनके सम्मुख कहा गया, और इम्प्लाइड मीन्स विवक्षित। अब मोहम्मद साहब से इस्लामिक लॉ स्टार्ट हुआ। इसमें कहा गया कि मोहम्मद साहब के सामने जो डिस्कशन हुआ मैसेंजर ऑफ गॉड देवदूत के द्वारा, उसके जो उनके जीवन के लास्ट 23 इयर्स में जो डिस्कशन हुआ, उसको एक होली बुक में, पवित्र किताब में उसको लिखा गया, और जिसका नाम है कुरान। जिसका नाम है कुरान, गॉड ऑफ प्रोफेट, जो देवदूत थे उनका डिस्कशन, बिफोर बिफोर डिस्कशन बिटवीन द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड प्रोफेट मीन्स मोहम्मद, ईश्वर के देवदूत और मोहम्मद के बीच में जो उनके जीवन के लास्ट 23 ईयर में डिस्कशन हुआ, बात हुई, उसको उन चीजों को एक बुक में लिख दिया गया, जिसका पवित्र बुक कुरान के नाम से हम जानते हैं। इस कुरान में 114 चैप्टर्स हैं। 114 इसमें चैप्टर हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? 114 इसमें चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, और इसमें 6237 6237 आयात्स हैं। कितने? 6237 इसमें आयात्स हैं। इसको याद रखने वाला है, इट इज डिवाइडेड इनटू 114 चैप्टर्स एंड 6237 आयात्स इनमें डिवाइड है। अब जब ये तो हुआ कि मोहम्मद साहब के लाइफ में जब वो जीवित थे उस समय कुरान के बारे में लिखा गया, और जब उनकी डेथ हो गई, मोहम्मद साहब की डेथ के बाद उनके जो विचार थे, जो उन्होंने किया था, उसको जो अथोराइज एजेंट थे, जो नॉलेजदार उनके काबिल लोग थे, उनके द्वारा दो बुक्स लिखी गई, वो है अहदीस एंड सुन्ना। अहदीस में व्हाट ही सेड, मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, मोहम्मद साहब ने क्या कहा था उसके बारे में अहदीस में लिखा हुआ है। और सुन्ना, व्हाट द प्रॉफिट डिड, मोहम्मद साहब ने क्या किया था उसके बारे में सुन्ना में लिखा हुआ है। और ये दोनों जो उनके अथोराइज एजेंट थे, जो उनके लीगल नॉलेजदार लोग थे, काबिल लोग थे, उनके द्वारा इन दो में उनका डिटेल किया गया। अब सुन्ना, सुन्ना में उसके तीन पार्ट किए गए, सुन्ना 3 पार्ट में डिवाइड है। सुन्नत उल कूल, सुन्नत
उलकुल, सुन्नत उलकुल में मोहम्मद साहब के वर्ड हैं, काउंसिल है एंड प्रिसिप्ट्स, मींस जो मोहम्मद साहब ने, उन मोहम्मद साहब के शब्द हैं वो लिखे हुए हैं, उनकी जो परामर्श है, सलाह है, वो लिखा गया और उन्होंने जो आदेश किया वो आदेश सुन्नत उल कुल में लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं सुन्नत उल फेल, इसमें उन्होंने क्या कार्य किया, उनके क्या कार्य थे, डेली प्रैक्टिस, प्रतिदिन के उनके कार्यों को सुन्नत उल फेल में लिखा गया। उसके बाद सुन्ना उल तकरीर, सुन्ना का थर्ड जो पार्ट है वो सुन्ना उल तकरीर, सुन्ना उल तकरीर में शांति के लिए लिखा गया कि किस तरीके से ये होगा। तो ये सुन्ना थ्री पार्ट में डिवाइड है, इसमें सुन्नत उल कूल, सुन्नत उल फेल एंड सुन्ना उल तकरीर, इन तीन पार्ट्स में डिवाइड है। नाउ इस्लामिक लॉज की, जो इस्लामिक लॉ है, जो इस्लामिक नियम है, वो कैसे चलता है, वो किन से चलता है, ये तो वो क्या ओरिजिन कि उनकी होली बुक्स, पवित्र किताब कैसे आई और उन्होंने कहां से लिखा, मोहम्मद साहब ने क्या लिखा, वो सारे चीजों के बारे में डिस्कस है। अब इनके लॉज कैसे, नियम क्या होंगे, इस्लामिक लॉज क्या होंगे, तो इस्लामिक लॉज डिवाइडेड इनटू फोर बुक्स, फर्स्ट कुरान, कुरान, सेकंड सुन्ना और ट्रेडिशन, एंड थर्ड इज्मा, फोर्थ कयास। ये चार हैं, कुरान, सुन्ना और ट्रेडिशन, इज्मा एंड कयास। कयास जो है वो मुस्लिम लॉ का, इस्लामिक लॉ का लास्ट सोर्स है, अंतिम बुक्स है, क्या, कयास, जिससे लॉज इनके फॉलो हैं। और इज्मा क्या है, अभी कुरान के बारे में हमने डिस्कस किया, सुन्ना के बारे में डिस्कस किया, सुन्ना थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। नाउ इज्मा, इज्मा क्या है, ये अहदीस पर आधारित है, बेस्ड अपॉन अहदीस, अहदीस पर सुन्ना, अहदीस पर इज्मा आधारित है, और ए काइंड ऑफ कम्युनिकल, कम्युनल लेजिस्लेशन बाय ग्रेट स्कॉलर्स। ये इज्मा है वो महान विद्वानों द्वारा, इस्लामिक लॉ के महान विद्वानों द्वारा, जो ग्रेट नॉलेज रखते थे, उनके द्वारा इज्मा लिखा गया। नाउ वंस एस्टैब्लिश्ड कैन नॉट बी रिप्लेस, इज्मा में जो एक बार लिख दिया गया उसे हटाया नहीं जा सकता, एक बार उसमें एस्टैब्लिश कर दिया गया, एक बार उसमें फिट कर दिया गया, तो दोबारा उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किसमें, नॉलेजदार विद्वान लोगों के द्वारा इज्मा में लिखा जाता है। ये तो हो गया कि इस्लामिक लॉ, इन चार बुक्स, ये चार पवित्र किताब जिनमें उनके लॉज लिखे हुए हैं, उनके द्वारा इसको फॉलो किया जाता है, उनके द्वारा उनके नियम गठित होते हैं। अब बात आती है कि ये नियम हो गए और बुक्स हो गए, कैसे क्या चलेगा, अब हु इज मुस्लिम, मुस्लिम है कौन, बात आती है कि मुस्लिम है कौन। हमारे ला, जो ला में लिखा हुआ है वह है बिलीव्स इन द यूनिटी ऑफ गॉड, जो एक ईश्वर में, एक गॉड में बिलीव करता हो, एक ईश्वर में, एक गॉड में बिलीव करता हो। सेकंड उसमें कहा प्रॉफिट्स कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद, जो मोहम्मद साहब का कैरेक्टर है, जो उनकी प्रैक्टिस है, जो उनकी बुक्स है, जो मोहम्मद साहब का भक्त, मोहम्मद साहब का कैरेक्टर है, उनके बारे में बिलीव करता हो, अगर उस दो चीजें करता है, एक ईश्वर को मानता है, एक गॉड को मानता है, एक ही गॉड को मानता है, एंड द प्रोफेटिक कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद साहब को दूत के कैरेक्टर के रूप में वो मानता है, अगर वो दो उसमें क्वालिटी है, देन दैट इज कॉल्ड मुस्लिम, हु इज मुस्लिम, दैट इज कॉल्ड मुस्लिम। अब मुस्लिम दो तरीके के हैं, द सुन्नीस एंड द सियास, दो काइंड है मुस्लिम का, द सुन्नीस एंड द सियास। अब सुन्नी,
सुन्नी चार पार्ट में डिवाइड हो गए, इनके फोर काइंड हो गए, सुन्नी के फोर काइंड हो गए। फर्स्ट काइंड हनबली, हन सॉरी हनफी, फर्स्ट काइंड हनफी, सेकेंड मालिकी एंड थर्ड शाफाई, फोर्थ हनबली। सुन्नीज फोर पार्ट में डिवाइड है, हनबली हनफी मालिवी मालिकी एंड शाफाई हनबली, फोर पार्ट में डिवाइड है। और जो सियाज हैं, सियाज थ्री पार्ट्स में डिवाइड हैं, अथना असरियाज। ये वो लोग हैं जो 12 इमाम में भरोसा करते हैं। अब 12 इमाम क्या है हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। जो 12 इमाम में बिलीव करते हैं वो हैं अथना असरियाज। और सेकंड जो सियास काइंड है, जो दूसरे उनका है, वो है इस्माइलियाज एंड थर्ड है जैदियाज। ये तीन काइंड है सियास के, अथना असरियाज अस्मलियाज एंड जैदियाज, ये तीन तरीके से है। अब अथना असरियाज में क्या है कि जो 12 इमामों में भरोसा करते हैं, पर ये भी दो तरीके के होते हैं। अतना असरियाज दो तरीके से होते हैं, एक क्या होता है उसौली, एक है उसौली, दूसरा है इखबार, दूसरा है इखबारी। इखबारी दो काइंड है इसके, अतना असरियास के उसौली और इखबरी। अब ये तो बात समझ में आ गई कि मुस्लिम कौन है, मुस्लिम के लास्ट किन बुक से चलते हैं, और मुस्लिम में हमने कुरान कहाँ से आई और मोहम्मद साहब क्या थे, इन सब के बारे में डिस्कस किया। अब इसके इंट्रोडक्शन में ही, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं मालूम होंगी तो हम एक्ट में इसके नहीं समझ पाएंगे कि वो किसके बारे में कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इसलिए इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका मैं कुछ और पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके थर्ड पार्ट से हम एक्ट के बारे में आएंगे। तब तक इसके बारे में अगर एक दो बार आप पढ़ेंगे तो मुस्लिम के बारे में कुछ समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद। Thank you.